हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिसव एजुकेशन। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूक्रेन की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी के बारे में। वी विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी पैरामीटर्स ऑफ लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यू शुड नो बिफोर टेकिंग योर एडमिशन इन MBBS इन यूक्रेन। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। बट बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो आज के इस वीडियो में सारे पॉइंट्स नेसेसरी हैं आपके लिए जानना बिफोर चूजिंग योर कॉलेज। सो मेक श्योर कि आप सारे पॉइंट्स अच्छे से जान लें बिफोर चूजिंग योर कॉलेज। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ओवरव्यू, लोकेशन, लेवल एंड एक्रेडिटेशन, कोर्स ड्यूरेशन और मीडियम ऑफ टीचिंग, इस यूनिवर्सिटी का FMG पासिंग रेशियो, आपका फ़ी स्ट्रक्चर, पूरा बजट कि आपका MBBS कोर्स में क्या आएगा, प्लस इसके हॉस्पिटल टाइअप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे इसके हॉस्टल फैसिलिटीज़ और फूड अवेलेबिलिटी के बारे में भी। सो वी विल बिगेन विद द ओवरव्यू ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। सो ये लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन की, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है जो फॉर्म हुई थी 16 नवंबर 1784 को, और ये ईयर 1896 से मेडिसिन की जो स्टडी है वो ऑफर कर रही है। इसके बारे में वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल ने भी मेंशन किया हुआ है। लेट मी शेयर दिस विद यू। सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो मेडिसिन की पढ़ाई जो ऑफ़र कर रही है वो ईयर 1896 से ऑफ़र कर रही है, और ये वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल ने भी मेंशन किया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और मैंने भी अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ चूजिंग ओल्ड यूनिवर्सिटीज, क्योंकि इसमें सारे डिपार्टमेंट्स अवेलेबल होंगे जो भी आपके स्टडी के लिए, आपके जो MBBS का कोर्स है उसके लिए नेसेसरी होंगे, रिक्वायर्ड होंगे। तो जहाँ तक हम डिपार्टमेंट्स की बात करें तो देर आर मोर देन 78 डिपार्टमेंट्स अवेलेबल इन दिस यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ देर आर गुड नंबर ऑफ फैकल्टीज, टीचर्स एंड एक्सपर्टीज डॉक्टर्स इन दिस यूनिवर्सिटी। सो गाइज, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी 125 ईयर्स ओल्ड हो चुकी है, सो इसमें जो भी टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, प्लस जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं। इसका मतलब कि ये आपके लिए एक बेनिफिट की तरह हो जाता है व्हेन यू चूज़ योर यूनिवर्सिटी फॉर MBBS। अब आगे हम बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी की लोकेशन की। तो ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है यूक्रेन की लवीव सिटी में, जो कि एक मेट्रो सिटी है और जहाँ का पॉपुलेशन रेंज करता है बिटवीन 7,21,000 टू 7,30,000। इसका मतलब है कि आपको जो क्लिनिकल एक्सपोजर मिलने वाला है इस यूनिवर्सिटी को चूज़ करने के बाद, वो भी काफ़ी अच्छा खासा मिलने वाला है। एंड ऑल्सो लवीव सिटी इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ वेस्टर्न यूक्रेन। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि लवीव सिटी एक मेट्रो सिटी होने के साथ साथ इसके पास अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जिसका कि ये मतलब है कि फ्रॉम इंडिया टू लवीव आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है, और इट बिकम्स वेरी असेसिबल फॉर द स्टूडेंट्स टू मूव फ्रॉम इंडिया टू लवीव। और अगर आपको कोई इमरजेंसी होती है, आपको कभी वापस इंडिया जाना होता है, देन आप आराम से यहाँ से लेके इंडिया तक मूव कर सकते हैं। आपको किसी भी अदर सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है फॉर टेकिंग योर फ्लाइट। इसके अलावा आपके जितने भी डेली रिक्वायरमेंट्स हैं, डेली सप्लाईज हैं, वो आपको आराम से अवेलेबल हो जाते हैं, बिकॉज लवीव इज़ अ मेट्रो सिटी, जैसा कि मैंने बताया। तो जितने भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज से रिलेटेड, जो भी आपको फूड आइटम्स, रॉ मटेरियल से रिलेटेड, वो भी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाता है, जिससे कि आपको वहाँ सर्वाइवल में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, द नेक्स्ट पॉइंट इज लेवल एंड एक्रेडिटेशन, जिसके ऊपर की सारे स्टूडेंट्स को नोट करना, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है व्हेन यू आर गोइंग टू चूज़ योर यूनिवर्सिटी। तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बता दे गाइज, जो लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इट हैज़ फोर्थ लेवल ऑफ एक्रेडिटेशन फ्रॉम यूक्रेन मिनिस्ट्री। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इट इज़ WHO लिस्टेड प्लस NMC अप्रूव्ड एंड ऑल्सो रिकग्नाइज बाई ECFMG, MCC
एंड ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल लिमिटेड, और ये वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल में भी मेंशन है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब है कि जो यहाँ से MBBS डिग्री परस्यू करेगा उसकी जो डिग्री होगी वो वैलिड होगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो यू कैन चूज लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर योर MBBS। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कोर्स ड्यूरेशन ऑफ और मीडियम ऑफ टीचिंग, यानी कि जो कोर्स ड्यूरेशन है वो कितने इयर्स का है और साथ ही साथ यहाँ की मीडियम ऑफ टीचिंग क्या है। तो आपको ये बता दे गाइज कि जो लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो यूक्रेन की बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह जो भी जो कोर्स है वो कंप्लीट कराएगी आपकी 6 ईयर्स में, यानी कि 5.8 ईयर्स में। साथ ही साथ ये जो कोर्स होगा वो फुल्ली इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल होगा आपके लिए, ना कि कोई बाइलिंगुअल या पार्शियल इंग्लिश और पार्शियल इट्स लोकल लैंग्वेज में, ऐसा नहीं है। ये पूरा जो कोर्स होगा आपके लिए अवेलेबल होगा इन इंग्लिश मीडियम। सो आपको यहाँ पढ़ाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज द टीचर्स एंड फैकल्टीज़ जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो कम्प्लीट इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं इन योर कोर्स ड्यूरेशन। एंड ऑल्सो गाइज, जैसा कि मैंने पहले वीडियोज़ में भी बताया हुआ है कि यूक्रेन की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आपके लिए जो क्रॉक एग्ज़ाम्स हैं वो कंपलसरी हैं, यानी कि जो क्रॉक 1 और क्रॉक 2 एग्ज़ाम है वो आपको देना कंपलसरी है एंड यू कैनॉट स्किप इट। और आप जो भी क्रॉक एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट होगा आपके जो 6th ईयर में आप एग्ज़ाम देंगे उसका रिज़ल्ट जब आप क्लियर करेंगे क्वालिफाई करेंगे देन द यूनिवर्सिटी विल प्रोवाइड यू द MBBS डिग्री। क्रॉक एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, यू कैन विजिट टू आवर चैनल और आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ FMG पासिंग रेशियो ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। क्योंकि गाइज FMG पासिंग रेशियो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपको देखने के लिए कि हाउ द यूनिवर्सिटी इज़, कि इस यूनिवर्सिटी का FMG पासिंग रेशियो क्या है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है यानी कि लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसका FMG पासिंग रेशियो जो भी 2012 से लेके 18 तक का रहा है वो काफ़ी एवरेज रहा है, और अगर हम बात करें योर 2019 की तो वो उसके बाद जो 2019 का रिज़ल्ट रहा है वो काफ़ी प्रोग्रेसिव रहा है। तो अगर आप FMG पासिंग रेशियो को सबसे इम्पॉर्टेंट और मेजर फैक्टर कंसिडर करते हैं फॉर चूजिंग योर कॉलेज फॉर योर MBBS डिग्री, तो क्योंकि लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उसका जो भी FMG पासिंग रेशियो रहा है वो पिछले सालों में काफ़ी एवरेज रहा है। सो यू कैन ऑल्सो गो विद अनदर कॉलेज अगर आपको लगता है कि आप FMG पासिंग रेशियो जो एक फैक्टर है आपको उसके ऊपर अपना डिसीजन लेना है फॉर चूजिंग योर कॉलेज, देन आप किसी अदर यूनिवर्सिटी को भी चूज़ कर सकते हैं यूक्रेन की जो जिसका कि FMG पासिंग रेशियो अच्छा। क्योंकि गाइज FMG पासिंग रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है देखने के लिए, और नेट बोर्ड ने भी इसका डेटा रिलीज़ किया हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर मैंने शेयर किया हुआ है। तो जो 2012 से लेके 14 तक का डेटा रहा है उसमें जो पासिंग परसेंटेज है वो रहा है 23.8%। साथ ही साथ जो 2015 से लेकर के 18 तक का डेटा रहा है उसका जो परसेंटेज रहा है वो रहा है 20.00%, जो कि काफ़ी एवरेज है। और अगर हम बात करें 2019 के डेटा की तो वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहा है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स, जो कि रहा है 31.58%, जो कि काफ़ी अच्छा है। सो इसका मतलब है कि जो पढ़ाई अब यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें अच्छा खासा क्लिनिकल एक्सपोजर लास्ट 1-2 ईयर्स में मिल रहा है। सो नाउ वी विल लुक एट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि है आपका बजट, यानी कि जो फीस स्ट्रक्चर है इस यूनिवर्सिटी का, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिफोर चूजिंग योर यूनिवर्सिटी फॉर MBBS डिग्री। मोस्टली स्टूडेंट्स MBBS अब्रॉड इसलिए चूज़ करते हैं ड्यू टू लो पैकेज ऑफ योर MBBS कोर्स, यानी कि जो 6 साल का जो भी पैकेज आए वो अराउंड आपके पॉकेट, दैट इज़ पॉकेट फ्रेंडली। लेकिन इस यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ इसकी जो ट्यूशन फ़ीस है वो भी थोड़ी ज़्यादा है, साथ ही साथ अगर हम हॉस्टल फ़ीस की भी बात करें
तो वो भी जो चार्जेस हैं वो कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटी थोड़े ज़्यादा हैं। जैसा कि मैंने बताया, जो ट्यूशन फीस है वो है $4,900 पर एनम, और साथ ही साथ जो हॉस्टल चार्जेस है वो है $1,000 पर एनम। इसका मतलब है कि ये जो दोनों है वो मिला के ज़्यादा ही हो जाता है, तो ये यूनिवर्सिटी थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है। और आपको ये भी बता दें गाइस कि इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को और भी चार्जेस पे करने होते हैं, जैसे कि वीज़ा एक्सटेंशन हो गया और भी अदर चार्जेस हो गए जो कि यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको चार्ज किए जाते हैं और आपको पे करने होते हैं, तो इससे थोड़ा सा बजट हाई हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि यू हैव टू चूज़ लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन आवर गिवन नंबर्स और ऑफिशियली विजिट आवर वेबसाइट। अब आगे जिस फैक्टर के ऊपर हम बात करेंगे वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टू लुक एट, दैट इज़ हॉस्पिटल टाई अप्स। यानी कि जो हॉस्पिटल टाई अप्स हैं वो भी लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के काफ़ी अच्छे हैं। देर आर मोर देन 41 हॉस्पिटल्स अफिलिएटेड टू दिस यूनिवर्सिटी, प्लस विद द कैपेसिटी ऑफ मोर देन 10,000 बेड्स। इसका मतलब है गाइस कि व्हेन यू चूज़ लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, आपको अच्छा खासा क्लिनिकल एक्सपोजर मिल जाता है। एक आपको अच्छे से जो भी प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स कंडक्ट करने हैं थ्रू आउट योर कोर्स वो आपको मिल जाता है, प्लस द फैकल्टीज़ आर आल्सो एक्सपीरियंस्ड एंड हेल्पफुल कोऑर्डिनेटिंग, जो कि आपको फुल फ्लेज नॉलेज प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर कोर्स। यानी कि आपका जो क्लिनिकल रोटेशन है वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में, सो यू कैन चूज़ लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। गाइज, आपको अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलना, क्लिनिकल रोटेशन मिलना इसीलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो भी लाइसेंस एग्ज़ाम देना है उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको क्लिनिकल बेस्ड ही पूछे जाएंगे, जिसको कि आपको क्वालिफाई करने के बाद ही आपको आपका लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। सो दिस फैक्टर इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर यू आर गोइंग टू चूज़ योर यूनिवर्सिटी। और क्योंकि लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर आपको प्रोवाइड कराती है, सो यू कैन चूज़ लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब आगे हम बात करेंगे हॉस्टल फैसिलिटीज़ और फूड फैसिलिटीज़ के बारे में, क्योंकि यहाँ की हॉस्टल जो चार्जेस हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, इसीलिए रूम्स आर अवेलेबल एज़ पर स्टूडेंट्स चॉइस। जैसा कि मैंने बताया कि क्योंकि चार्जेस ज़्यादा हैं इसीलिए आपको फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे अच्छी खासी मिल जाती है। यहाँ की हॉस्टल्स में जो रूम्स अवेलेबल हैं वो 2 शेयरिंग्स 3 शेयरिंग्स में अवेलेबल हैं, जहाँ की सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होगा, काफ़ी हाइजीनिक होगी, और भी जितने अदर फैसिलिटीज़ आपके लिए रिक्वायर्ड हैं वो आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जितनी भी फूड फैसिलिटीज़ हैं उनसे भी रिलेटेड आपको कोई भी इशू नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे इंडियन मेस बहुत ही ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, जहाँ पे 2 टाइम 3 टाइम्स का जो भी फूड आपको मिलता है वो काफ़ी अच्छे से अवेलेबल हो जाता है इंडियन फूड, बिकॉज सिक्स ईयर्स आर नॉट वेरी स्मॉल ईयर्स, बहुत छोटा टाइम नहीं होता है। आपको वहाँ पे 6 ईयर्स के लिए जाना है फॉर योर इंटायर कोर्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि जो भी फूड हो वो आपके चॉइस के हिसाब से आपको मिले। सो इस यूनिवर्सिटी में इंडियन मेस आराम से अवेलेबल है और आप फूड अपनी चॉइस का ऑप्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें गाइस कि अगर आपको इंडियन मेस या कोई भी मेस की जो फैसिलिटी है वो नहीं लेनी है, तो आप यहाँ पे सेल्फ कुकिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हॉस्टल्स हैं उनमें किचन अवेलेबल हैं आपके सेल्फ़ कुकिंग के लिए, जिनमें कि आपको सारे जितने भी रॉ मटेरियल्स और आपके रिक्वायर्ड आइटम्स हैं वो भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। सो इससे भी रिलेटेड आपको कोई भी इशू नहीं आएगी, तो आप सेल्फ़ कुकिंग भी आराम से कर सकते हैं। सो गाइज, आज के इस वीडियो में जितने भी सारे डिटेल्स हैं लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के मैंने आपके साथ शेयर किया है, ताकि आपके लिए इजी हो जाए यूनिवर्सिटी चूज़ करना फॉर योर MBBS कोर्स। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में या यूक्रेन की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन आवर गिवन नंबर्स, एंड डोंट फर्गेट टू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।